एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान में स्थित नगला अमरा गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 11 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर ही है। लगभग 2500 की आबादी व 1300 वोटरों द्वारा रज्जो देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 286 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 125 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 80 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर व 15 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में मरम्मत कार्य व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 इज्जत घरों का भी गांव में निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, जूनियर हाई स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, तालाब की बाउंड्री, पानी की टंकी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र रणवीर सिंह, ग्राम पंचायत नगरा सिंह, जो वर्तमान में भैया हमने काम कराए हैं। मैं प्रधान पुत्र चौधरी रणवीर सिंह, ग्राम पंचायत नगरा अमरा सिंह, विकासखंड मुरसान, जिला हाथरा से। जो हमने गांव में विकास कार्य कराए हैं उनमें जो 5 सीसी इंटरलॉकिंग कार्य कराया था, लियो में नाली भी कराई है काफ़ी। गाँव हमारे दोनों गांवों का जो पानी है एकत्रित करने के लिए हमने पोखर के लिए दोनों गांवों को पानी इकट्ठा करने के लिए नाली बनाई है। गांव में LED लाइट भी लगाई है। 300 शौचालय बनाने थे हमें, उसमें करीब 250 शौचालय बन चुके हैं, 50 शौचालय बाकी हैं। आवासों में 1 लोहिया आवास दिया हमने, 4 आवासों की स्वीकृति हो चुकी है लेकिन उनका पैसा नहीं आया अभी। और जो गरीब लोग हैं अभी और आवास लेने लायक हैं उनके फार्म भी डलवा दिए हैं। अब गांवों की समस्याओं के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा मैं तो। सबसे पहले तो हमारे यहाँ मीटिंग करने के लिए कोई सरकारी जगह नहीं है जिस पर आदमी बैठ के मीटिंग कर सके। सबसे पहले पंचायत घर की बहुत आवश्यकता है हमारे यहाँ। दूसरे, लड़की जो है 5वीं क्लास तक पढ़ती है यहाँ, 5वीं क्लास के बाद में कोई 4-5 किलोमीटर कोई स्कूल नहीं है, तो हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल होना जरूरी है। तीसरे, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में देखें तो हम 10-11 किलोमीटर तक हमारे यहाँ कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। रात बिरात कोई बात पड़ जाए तो साधन आने में 1 घंटा लग जाएगा, जब तक आदमी ख़त्म भी हो सकता है। जो हमारे गांव से हमारी पंचायत का एक गांव है उसका संपर्क मार्ग जब बारिश होती है तो बिल्कुल टूट जाता है। पियरी के लोग सारे जितने भी साधन हैं उनके 4 पहियों का या 2 पहिया हो गए वो नगला अमरा में खड़ी करके जब जाते हैं यहाँ से पैदल। चौमासे में तो रास्ता बहती नहीं निकलने के लिए। तो सबसे मुख्य बात यह है पहले पियरी की सड़क होनी जरूरी है हमारे यहाँ। विधायक जी से हमने कहा भी है सड़क के बारे में लेकिन उन्होंने बात ऐसे ही डाल दी, बोले उन्होंने प्रस्ताव में डाल रखी है लेकिन अभी कोई टेंडर तो हुआ नहीं है उसका। मैं रामवीर सिंह, ग्राम नगला अमरा निवासी हूँ। जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं रज्जो देवी, उन्होंने हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में बहुत अच्छे कार्य कराए। नाली, खरंजा, लाइट की व्यवस्था अच्छी करी है हमारे गांव में और जो काम हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और आगे अच्छा ही होता रहेगा।